क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक खास मुलाकात चरखी दादरी के बीजेपी युवा नेता मनु धनगढ़ के साथ। मनु जी, सबसे पहले मैं आपको दादरी पहुंचने पर आपको और आपके चैनल को, आपके चैनल पूरे परिवार को, आपकी टीम को बधाई देता हूँ कि आप लोग जगह जगह जाके सर्वे कर रहे हो और जो भी आम जन आम मानस की जो आवाज़ है वो आपके चैनल के माध्यम से आप लोग उठाने का काम कर रहे हो। हरियाणा में बीजेपी की कितनी एक सीट लेके जाएगी बीजेपी की, पूरे हरियाणा की बात की जाएगी? पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ तो शायद जो मेरा मत नहीं, जो लोगों की आम जन की जो भावना है, जो लोग बोलते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, तो उस नारे के हिसाब से या उन जो लोगों की आम जन, क्योंकि हम तो देहात में रहते हैं, गांव में भी जाते हैं, शहर में भी जाते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, कर्मचारियों से भी मिलते हैं, तो अब की बार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतने का काम कर रहे हैं। अगर हरियाणा में आपकी सरकार बनती है तो किस मुद्दों को लेकर हरियाणा में आएंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ बातचीत रहेगी? साहिल जी, मुद्दे तो विपक्ष के पास होते हैं और वो अब की बार है, हमने तो विकास कार्य किए हैं, उन पे हम वोट लोगों से जाके मांग रहे हो, चाहे भर्ती पॉलिसी हो, चाहे युवाओं के लिए अनेक रोजगार हो, डेवलपमेंट का काम हो। जहाँ हम बैठे हैं चरखी दादरी, ये शहर है, यहाँ हरियाणा सरकार ने इसको जिला बनाने की काम किया है, यहाँ से आज 3 नेशनल हाईवे निकल रहे हैं और मैं अनेक कार्य ऐसे हैं जिन पे हम जनता के बीच जाते हैं और अपना विषय रखते हैं और उस डेवलपमेंट के नाम से हम वोट मांग रहे हैं। हरियाणा में किस मुद्दों को लेकर बीजेपी आएगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ लोगों के अंदर रुझान आप पैदा करेंगे, लोगों से किस बात को लेकर आप वोट की अपील करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया है, मुद्दे तो है ही नहीं, मुद्दे तो विपक्ष उठाता है। आज उनके पास उनकी पतली हालत ऐसी हो रखी है कि वो आपस में ही, दो परिवार थे वो टूट के, वो चाचा बोलता है मैं सीएम, भतीजा बोलता है मैं सीएम, और ये एक घटिया मानसिकता की राजनीति पे कुछ लोग उतारू हैं, वो रोज न रोज किसी ना किसी माध्यम से स्टेटमेंट देते हैं। किसान यूनियन ने अभी बहल के अंदर धरना दिया, वो काफ़ी टाइम से बहल के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी सालों से उनकी मांग है कि भी उनके जो उनकी मांगे हैं पूरी की जाए, अभी तक किसानों की कोई मांगे पूरी नहीं की जाए, वहाँ धरने में बैठे हैं। आपकी सरकार से तरफ से कोई भी मंत्री या MLA अभी तक नहीं गया है, उस भूखे प्यास से बैठे हैं, उनका क्या कहना है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, पहले कुछ मैंने बताया था, विपक्ष के नेता हैं जिनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं किसानों की आड़ लेके राजनीति काम कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, वो एक खाली प्रोपेगंडा है किसान यूनियन के माध्यम से, कुछ लोग उनको भुला फुसला के अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। JJP और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, इसको लेकर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया कहेंगे? देखो, वो उनका आपसी मत, उनका परिवार है, वो किसी के साथ गठबंधन करे, किसी के साथ कुछ भी करे, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी यहाँ हरियाणा में आज मैं बात करूँ, 10 की 10 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या आप भी गठबंधन के लिए तैयार हैं, किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे आप भी? भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण बहुमत से, पूर्ण देश में और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से आ रही है, हमें किसी की लाइन्स की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम अपने दम पे, अपने कैडर बेस पे, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का यहाँ काम करते हैं। मनु जी, बात की जाए, अभी फतेहाबाद में एक सुनीता दुग्गल का प्रोग्राम हुआ था, इसमें मीडिया कर्मी को बसुकी का आरोप लगाया गया था, CM के प्रोग्राम में कुछ नहीं दिया गया था, आपका क्या कहना है मीडिया के लिए? देखो, मीडिया जो है आप देश का स्टैंड रखती है और मीडिया का हम सदा सम्मान करते हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से या किसी ना किसी मिस्टेक से कई बार हम जो भूल चूक हो जाती है, वो चीज़ हुई है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मीडिया को बुलाया है, ऐसी कोई बात नहीं, वो बाई मिस्टेक हुई है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हर एक प्रोग्राम में बीजेपी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, मीडिया कवर करती है, उसको
कहीं ना कहीं घुसने के सिक्योरिटी वाले दबाव देते हैं, मतलब मीडिया को कवरेज नहीं किया जाता था। क्या कुछ है, मीडिया चौथा स्तंभ मानते हैं आप लोग मीडिया को, तो भी क्या कुछ है मीडिया से बच्चों की सर, आप मीडिया से बच्चों की जा रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है साहिल जी, ये तो सर कुछ एक दो मिस्टेक हुई है उनकी, हम मानते हैं कि और मीडिया का सदा हम सम्मान करते हैं। टांग खींचने का लगता है वो पीछे, जैसे रामविलास जी माननीय शिक्षा मंत्री रामविलास जी ने बोला था कि हुड्डा ने सुरजेवाड़ा का कांटा निकाल दिया, अब की बार सुरजेवाड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांटा निकालने का काम कर रहे हैं। लोकसभा को लेकर बीजेपी की कैसी तैयारी चल रही है? धर्मवीर ने कहा था सांसद ने, मैं एमपी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, अभी फिर धर्मवीर एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ है ये, मतलब विपक्ष का कहीं ना कहीं आपकी सरकार का कहीं ना कहीं कहते हैं हम चुनाव लड़ने, बाद में कहते हैं चुनाव के ऊपर कहते हैं, मतलब कैसा ये एक पटवार है? देखो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ संगठन जो आदेश देता है वही सर्वोपरि है हमारे लिए। तो संगठन ने तय किया है कि चौधरी धर्मवीर सिंह हमारे प्रत्याशी होंगे, जो पहले सांसद भी रहे, उन्होंने अनेकों योजनाओं के माध्यम से यहाँ विकास कार्य किए हैं, डेवलपमेंट में उनका बहुत सहयोग रहा है। उनको लगा होगा कि ये बड़ा क्षेत्र है, इस कारण उनकी वो स्टेटमेंट थी, वो उनकी पर्सनल थी, ना कि कोई पार्टी या संगठन की कोई गाइडलाइन या कोई स्टेटमेंट था। तो अब पार्टी ने संगठन ने उनको आदेश दिया है, वो लोगों के बीच हैं और लोग यहाँ से उनको 23 तारीख को पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से जिता के लोकसभा में भेजेंगे। पार्टी के कहाँ कहाँ दौरे चल रहे हैं, किस मतलब हरियाणा में अमित शाह भी आएंगे आपके, क्या जा रहा है 18, 8 या 10 के आसपास में अमित शाह भी आने की? मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 10 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भाई चक्की दादरी में आ रहे हैं, और उस दिन हम 1.5-2 लाख लोगों की यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या जनसभा हम करने जा रहे हैं। कैसे बंदोबस्त किया जाएगा अमित शाह के लिए? किसानों का भी वादा है कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर चरखी दादरी में नहीं उतरने देंगे, मतलब किसानों का काफ़ी दिनों से अब मुद्दा चल रहा है, किसान भाई धरने में बैठे हैं दादरी में रामनगर में, काफ़ी दिन हो गए आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, बात की जाए। साहिल जी, यह विपक्ष की है, एक तरफ ही आप जो बोल रहे हो किसानों के लिए, ऐसा कुछ है ही नहीं धरातल। हम लोगों के बीच जाते हैं, लोग खुश हैं, किसान खुश हैं, आप सरसों के दाम लगा लो, आप बाजरे के दाम लगा लो, और अनेकों ऐसी योजनाएं हैं किसानों के लिए, 2,000 रुपये 2 किस्त आ चुकी हैं किसानों के खाते में, किसान बहुत खुश हैं।